तो यहाँ पे अंकल बना रहे हैं ह्यूज क्वांटिटी में डिफरेंट टाइप ऑफ डोसास, जो कि दिखने में बहुत डिलीशियस और टेस्टी लग रहे हैं। तो आज हम इसे करने वाले हैं ट्राई। इसे ट्राई करने के पहले इसका लोकेशन और नाम मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका नाम है राधे गोविंद टिफिन सेंटर, जहाँ पे हमको हैदराबादी टेस्ट मिलते हैं ऑल साउथ इंडियन फूड की। तो यहाँ पे पहले अंकल बना रहे हमारा मसाला डोसा, जो कि बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स में यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाता है। इसका लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए देखते हैं अंकल कैसे बनाते हैं हैदराबादी स्वाद के डिफरेंट टाइप ऑफ डोसा। तो यहाँ पे अंकल ले रहे हैं पहले डोसा का बैटर, जो इनका होममेड होता है ये, और इसी का यूज़ करके वो अलग अलग टाइप के डोसा बनाते हैं। तो ये राधे गोविंद टिफिन सेंटर आपको सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुला मिलता है। आप कभी भी आके ये डोसा टेस्ट कर सकते हो। तो अभी देखते हैं अंकल कैसे बनाते हैं अलग अलग तरीके से डोसा। तो पहले तो यहाँ पे अंकल डाल लेंगे पूरे डोसा का बैटर ऑल ओवर तवे पे, और उसके बाद में आगे की प्रोसेस करेंगे। तो अभी यहाँ पे डोसे पे डाला जा रहा है अलम, जो येलो दिख रहा है आपको इसी के कहते हैं अलम, और ये भी इनका होममेड बनाया होता है। यहाँ की हर चीज़ इनकी होममेड ही होती है, इनके बेसमेंट में ये पूरा प्रोसेस होता है बनाने का। और यहाँ पे आपको करीबन 16 से 17 टाइप के डोसा मिल जाएंगे, वो भी एकदम टेस्टी और डिलीशियस। मैं यहाँ पे खुद 8 साल से डोसा खा रही, इसलिए इसकी टेस्ट मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ। इनका पहले बहुत छोटा शॉप था, अभी इतनी पॉपुलैरिटी इनको मिल गई है कि ये इतना बड़ा बन चुका है। तो यहाँ पे भैया अभी डाल रहे हैं होममेड मसाला, जो इन्होंने खुद बनाया है, और इसके बाद में मिर्ची और टमाटर की चटनी। तो भैया अभी डाल रहे हैं एक साइड में मेल्टेड बटर। और दूसरी साइड से अंकल डाल रहे हैं ओनियन और धनिया का मिक्सचर, जो इन्होंने पहले से बना के रखा है, और शायद ये प्याज वाले हैं और ये बिना प्याज वाले डोसा बना रहे हैं यहाँ पे। और उसके ऊपर फिर डाल रहे हैं अंकल मसाला। भैया और अंकल दोनों मिला के एट ए टाइम 16 डोसा बनाते हैं, वो भी अलग अलग फ्लेवर्स के। और यहाँ पे अंकल डोसा की कटिंग कर रहे हैं, और ये मिडल से काट रहे हैं, क्योंकि ये एक साइड के 8 है और ऊपर के 8, दोनों मिला के 16 बना रहे हैं। तो यहाँ पे अंकल डाल रहे हैं पनीर, ये वाला पनीर बटर डोसा है। और यहाँ पे डाली जा रही है आलू और प्याज की मिक्स सब्जी। तो अब यहाँ पे भर भर के डाला जा रहा है चीज़। यहाँ पे ये जो है ये चीज़ बटर डोसा है। तो अभी अच्छे से इस पर डाला जा रहा है धनिया। अभी यहाँ पे डोसा बन के रेडी हो चुका है, तो अंकल इसे एक एक करके प्लेट में सर्व करेंगे, और ये आगे जाके जिनका ऑर्डर है उनको सर्व किया जाएगा। तो यहाँ पे भैया अब थाली में डाल रहे हैं डोसा। यहाँ पे ये डोसा बनाने की पूरी सामग्री है,
तो यहाँ पे हर एक काम के लिए हर एक अलग मेंबर है। तो यहाँ पे भैया ये डोसा ले जाने का काम करते हैं और उसमें चटनी और सांभर डालने का। और ये है कैश काउंटर, उसी पे मिलता है हमको चटनी सांभर और वड़ा, एंड पार्सल की भी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। ये है इसका फर्स्ट फ्लोर और ऊपर है सेकेंड फ्लोर। तो अभी हम ऊपर का भी फ्लोर जाके देखेंगे। तो ये नीचे कुछ ऐसा है, अभी चलेंगे हम ऊपर। तो ये है सेकेंड फ्लोर का किचन, नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों का सेपरेट किचन है। तो यहाँ पे भी बनते हैं डोसा। और ये है सेकेंड फ्लोर। अब सुबह 8:30 को आए थे इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही है। जैसे ही 9:30 हो जाएंगे यहाँ पे आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा हाउसफुल हो जाता है। और ये लग रही है हमारी प्लेट यहाँ पे। तो आज का डोसा कैसा बना है इसकी टेस्ट करके मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने मंगवाया था बटर मसाला डोसा, इसके अंदर की स्टफिंग आपको दिखाती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे भर भर के प्याज और पूरा स्टफिंग डाली है अंकल ने, और टेस्ट वाइज तो बहुत बढ़िया था। इनका ये मेन्यू है, ये एड्रेस है, और बाकी के जो 19 आइटम है यहाँ पे मिल जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलना।